सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सब? होप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो। और आज की वीडियो में यार बड़ा एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ मैं कि व्हाई यू शुड कंसीडर और यू शुड नॉट कंसीडर टाटा पंच इन 2023, कि भाई 2023 के अंदर भी आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि मतलब ये गाड़ी आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। ये वीडियो यार मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे को पढ़ने में आए थे कि भाई अंडर पावर गाड़ी है, हमने ले ली, उसके बाद भी सेल करने की सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यार ताकि आप अगर गाड़ी परचेज कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद क्लैरिफाई हो जाएगा कि भाई आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, कि भाई आपके लिए गाड़ी बनी है या नहीं बनी है, ये इस वीडियो का यार मोटिव रहेगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो भी चीजें मैं बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में वो इसके सेगमेंट की, मतलब जो गाड़ी इसके सेगमेंट में आ रही है, मतलब प्राइस सेगमेंट में आ रही है, तो उसके हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये कहां पे स्टैंड करती है और किन लोगों के लिए रियलिटी में भाई ये गाड़ी है और किन लोगों के लिए बिल्कुल भी ये गाड़ी नहीं बनी। तो भाई इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा वीडियो को, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। मैं सारी चीजें बताऊंगा पहले कि क्यों आपको कंसीडर करनी चाहिए और उसके बाद बताऊंगा कि आपको क्यों ये गाड़ी कंसीडर नहीं करनी चाहिए। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा कि भाई आपको ये गाड़ी क्यों कंसीडर करनी चाहिए, मतलब 2023 के अंदर भी इसके बहुत सारी कॉम्पिटिशन में है गाड़ी जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए या नहीं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो मेजर है इसका कि इसकी 5-स्टार सेफ्टी, मतलब ये 5-स्टार सेफ्टी के साथ है और सबसे हैवी बिल्ड जो इस सेगमेंट में आती है ना वो इसी गाड़ी की है। और टाटा भाई बोलने की जरूरत नहीं है कि कैसी बिल्ड हो, सबसे बेस्ट जो इसकी बिल्ड है वो भाई इसका बहुत मेजर पॉइंट है इसको कंसिडर करने का, कि भाई सेफ्टी आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि इतनी स्पीड में जब आप गाड़ियां चला रहे हो तो भाई सेफ्टी बहुत मेजर कंसर्न बन जाता है आपकी लाइफ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई यही है कि जिसको सेफ गाड़ी चाहिए ना भाई इस सेगमेंट के अंदर, जिसको 5-स्टार रेटेड गाड़ी चाहिए, हैवी बिल्ड की गाड़ी चाहिए, वो भाई इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग भाई जो इसकी लुक है ना, जो SUV वाली जो लुक आती है इसकी और ऊपर से प्रॉपर SUV आपको फील होती है ड्राइव करते टाइम, तो वो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मैंने SUV खरीदी भी या नहीं खरीदी, आपको प्रॉपर फील होगा हर बार बैठते टाइम या ड्राइव करते टाइम कि भाई ये एक SUV है। आपको पता चलता है कि आप थोड़ी हाइट पे बैठे हो और अच्छी खासी पोजीशन पे आप ड्राइव कर रहे हो इसे, तो इस चीज में आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि भाई ये SUV के नाम पे मैंने क्या ले लिया, ना ये SUV में है ना ये हैचबैक में है, आपको ये फील कभी भी नहीं होगा, भाई प्रॉपर SUV वाली फील आती है इसके अंदर। उसके बाद यार अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है भाई इस गाड़ी के अंदर फीचर्स। अगर आप फीचर्स की बात कर रहे हो तो भाई ऑलमोस्ट इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स आ जाते हैं जो यूजफुल है, मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई जो लग्जरी गाड़ी के फीचर्स है वो भी इसके अंदर आते हैं, जो नेसेसिटी वाली चीज़ है जो ये आप इस सेगमेंट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारे फीचर ऑलमोस्ट ऑल आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, मतलब इंटीरियर में भी आप देखते हो एक्सटीरियर में भी देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर एकम्प्लिश्ड वेरियंट से तो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अंदर की तरफ आप देखते हो तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ से स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है, AC मिल जाते हैं, AC के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और साइड में ORVM कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाती है, तो ऑलमोस्ट ऑल ना सारे आपको फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। रियर साइड की भी अगर आप देखते हो तो रियर साइड के भी आपको पावर बटन मिल जाते हैं, मतलब ऐसे यार रिग्रेट वाली चीज़ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर, हाइपर स्टाइल्ड व्हील मिल जाते हैं आपको एकम्प्लिश्ड वेरिएंट से, तो ये सारी चीज़ यार बड़ी एक वैल्यूएबल इस गाड़ी को बना देती है कि भाई ये बहुत वैल्यूएबल पैक है। उसके बाद यार अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो भाई लुक्स की, लुक्स बहुत मैटर करती है कुछ लोगों के लिए, तो भाई इस गाड़ी की जो लुक्स है बहुत नेक्स्ट लेवल लगती है, जो इसकी रोड प्रेजेंस बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई इस गाड़ी को, स्टार्टिंग में तो जब लॉन्च हुई थी जब तो रियलिटी में बहुत बंदों ने रुकवा के पूछी थी यार ये कौन सी गाड़ी है, मतलब ऐसे देखते थे रोड पे, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और इसकी लुक जो है ना बहुत बोल्डनेस वाली चीज़ आती है इसके अंदर ड्राइव करते टाइम, जैसे तो बेबी हैरियर और बेबी सफारी का एक छोटा पार्ट हो तो उसके जैसी कुछ कुछ इसकी लुक लगती है, क्योंकि जो हेडलैम्प्स है वो स्लिट हेडलैम्प्स है और नीचे आपको कॉर्निंग फॉग लैम्प मिल जाते हैं, जो जिस साइड आप अपना व्हील रोटेट करते हो उस साइड का आपका फॉग लैम्प जल जाता है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यार फोर्थ पॉइंट है कि स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये गाड़ी, मतलब जिस हिसाब से बड़ी दिखती है थोड़ी बाहर से, अंदर से भी उतनी ज़्यादा कंफर्ट आपको देती है, मतलब ना लेग रूम के अंदर आपको दिक्कत आती ना हेड रूम के अंदर आपको दिक्कत आती। मेरी 6 फीट हाइट है और उसके बाद भी अच्छा खासा हेड रूम लेग रूम स्पेस मेरे को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, चाहे रियर पे बैठूँ चाहे फ्रंट में बैठूँ, दोनों तरफ यार अच्छा खासा मेरे को कंफर्ट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है, बूट भी आपकी अच्छी खासी स्पेशियस है, मतलब आप कुछ भी सामान रख सकते हो।
350 लीटर की आपकी इसकी बूट है। यहाँ पे अगर यार बूट भी देखते हो आप तो बूट भी अच्छी खासी स्पेशियस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सामान नहीं रख सकते। यहाँ पे दो हुक दे रखे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी आप हैंग कर सकते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड दी हुई है। तो काफ़ी अच्छी इसकी बूट है जिसमें स्पेशियस भी है और चीज़ भी आप अच्छी खासी रख सकते हो इसमें। यार नेक्स्ट जो रीज़न है कि आपको क्यों कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि भाई ये थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है इस गाड़ी के अंदर, मतलब जिस हिसाब से SUV है तो अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और उसके बाद भी आप इस गाड़ी से छोटी मोटी ऑफ रोडिंग कर सकते हो। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तो नहीं कर सकते थार जैसी, फॉर्चुनर जैसी, इन जैसी भाई पॉसिबल नहीं है इस गाड़ी के लिए, लेकिन एक लिमिट तक भाई आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग कर सकते हो। आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती कि आप फंस जाएगी यार मेरी गाड़ी यहाँ पे, यहाँ से नहीं निकलेगी, या बड़ी देख देख के नीचे से आपको निकालनी पड़ेगी, वो वाली चीज़ इसके साथ नहीं आती। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। और भाई नेक्स्ट रीज़न है जो भाई इसकी पावर है, इंजन पावर ऑन मिड रेंज और हायर रेंज, मतलब जब आप हाईवे पे इसको ड्राइव करते हो ना, जब थोड़ी स्पीड एक बार गाड़ी पकड़ लेती है तो उसके बाद भाई इसकी पावर जो है ना वो नेक्स्ट लेवल निकल के आती है। जो स्टेबिलिटी इसके अंदर निकल के आती है हाईवे के ऊपर जब आप इसे ड्राइव करते हो, तो भाई बिल्कुल कंट्रोल में गाड़ी रहती है चाहे कितनी स्पीड पे आप इसे ले जाओ। लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड यार नहीं करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा स्पीड पे भी आपको ड्राइव करनी नहीं चाहिए, स्पीड लिमिट के अंदर ड्राइव करो, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी इसकी स्टेबिलिटी मिल जाती है ऑन मिड रेंज एंड हायर रेंज, दोनों रेंजेस के अंदर आपको अच्छी खासी इसकी स्टेबिलिटी और इंजन पावर मिल जाता है। ये सारे तो रीज़न थे कि आपको क्यों ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, और अब बात करते हैं कि भाई क्यों आपको ये गाड़ी नहीं कंसिडर करनी चाहिए। मतलब अगर आपने ये गाड़ी ले ली तो 1% यार आपको कहीं ना कहीं पर इस गाड़ी पर रिग्रेट फील होगा, मतलब आपके लिए गाड़ी भाई क्यों नहीं बनी, तो उस बारे में यार बात करते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि भाई अगर आप बिल्कुल पावर एंथुजियास्ट हो कि पंजा रखा और बिल्कुल स्पीड गाड़ी एकदम पकड़ ले, मतलब इनिशियल जो पिकअप है वो बहुत फास्ट चाहिए, तो भाई ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो इनिशियल डिप है इस गाड़ी का वो थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेती है आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ने में। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नहीं भागती है गाड़ी इनिशियल पिकअप में, अच्छा खासा एक पिकअप ले लेती है। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल ही पावर एंथुजियास्ट हो कि भाई मेरे को पैर रखा और बिल्कुल भागी, जैसे मारुति की गाड़ी होती है वो लाइट वेट काफ़ी होती है, तो इसलिए अच्छी खासी वो पिकअप ले लेती है इनिशियल पिकअप, तो वो भागने के अंदर थोड़ी सी बेटर रहती है। लेकिन उनमें स्टेबिलिटी, उसमें फीचर्स, और उसके बाद अगर बात करें तो भाई बिल्ड सबसे मेन जो रीज़न है सेफ्टी का, वो मारुति की गाड़ी में यार कहीं ना कहीं पर पीछे रह जाता है। तो इसलिए यार अगर आपको बिल्कुल इंजन पावर नेक्स्ट लेवल चाहिए तो भाई आप इस गाड़ी को एक बार को नहीं लेने को सोच सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल भी पावर नहीं है इस गाड़ी के अंदर, मतलब ठीक ठाक पावर है, लेकिन अगर बिल्कुल ही आपको पावर चाहिए एज कम्पेयर टू मारुति तो भाई आप इसको छोड़ सकते हो। एक और रीज़न की अगर मैं बात करूँ कि भाई आप क्यों कंसिडर नहीं कर सकते, भाई अगर आपको बिल्कुल फिट एंड फिनिश बिल्कुल अच्छे से चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे पैनल गैप्स थोड़े से ज़्यादा है, ऊपर नीचे जो बॉडी है ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो भी भाई आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत पैनल गैप्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हुंडई और थोड़ी जो अदर ब्रांड्स है, किया हो गया, और इनके कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा इस पे पैनल गैप थोड़ा ज़्यादा है। मतलब जो फिट एंड फिनिश वाली चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे कम गैप है, कहीं पे ज़्यादा गैप है, ठीक है, तो थोड़ी सी ये वाली चीज़ आपको फील होगी, जैसे जो ये चीज़ है थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। फिट एंड फिनिश के अंदर थोड़ा सा भैया कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर एक और चीज़ की मैं बात करूँ तो वो भाई है इसकी मटेरियल क्वालिटी। मतलब मटेरियल क्वालिटी अगर आप देखोगे ना तो बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है, मतलब सारा हार्ड प्लास्टिक यूज़ है यहाँ पे, लेकिन हार्ड प्लास्टिक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती थी कंपनी की, जिस हिसाब से ये यूज़ किया है कंपनी ने मटेरियल, थोड़ा हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा ही दे रखा है इस गाड़ी के अंदर। और बाहर भी अगर आप देखते हो तो क्लैडिंग वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, नीचे से अगर आप देखते हो तो जो क्लैडिंग है ये थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, SUV-ish लुक देने के लिए बनाई हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यार ये लुक नहीं पसंद आता, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो इसकी फिट एंड फिनिश है और जो मटेरियल क्वालिटी है उसकी वजह से भी अगर आपको बिल्कुल ही प्रीमियम मटेरियल चाहिए तो भी आप इस गाड़ी को भाई एक बार को मना कर सकते हो कि भाई ये गाड़ी नहीं बनी आपके लिए। और एक जो पॉइंट भाई जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस टाइप की आपकी ड्राइविंग पड़ती है, वो भाई कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि वह आप वीकनेस की तरह रखोगे, उसे कंसिडर करोगे या नहीं। जो इसका ए पिलर है भाई वो थोड़ा सा थिक है, जो ऐसे ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा बहुत क्रिएट कर देता है कभी कभी, मतलब जब आप टर्न करते हो ना गाड़ी को तो थोड़ा बहुत आपको ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, कई बार, हर टाइम नहीं होता, जब आप जैसे हिल्स पे ड्राइव करते हो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको फील होता है कि भाई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है। तो ये जो पिलर है भाई कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत करता है, मतलब टर्निंग वगैरह पे, बाकी इसके अंदर ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है कि भाई आप किस हिसाब से ड्राइव करते हो, आपको थोड़ा सा बहुत आगे होना पड़ता है, थोड़ा बहुत पीछे होना पड़ता है कभी कभी, वो भी टर्निंग्स के ऊपर, और अगर आप हिल्स पे रहते हो तो आपका ज़्यादातर भाई इस चीज़ का यूज़ रहता है, तो वो आपके ऊपर है कि भाई आपको
ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई आपको क्यों कंसिडर ये गाड़ी करनी चाहिए 2023 में भी और क्यों कंसिडर नहीं करनी चाहिए। तो भाई ये सारी बातें मैंने बताई थी और ये भाई मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, एक साल ड्राइव कर ली मैंने ये गाड़ी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या कमी मेरे को इसके अंदर लगी और किन बंदों के लिए ये गाड़ी है, किन के लिए नहीं है। सो ये सारा था यार आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भाई 1K का टारगेट जल्दी से पूरा करा दो, बहुत वेट कर रहा हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।